वानर को तो देखकर लग रहा है कि ये मेरा वध सीता के हाथों कराना चाहता है, किंतु मुझे इसके जाल में ना फंसकर शीघ्र ही यहां से निकल जाना चाहिए। यदि रावण के भांति किसी राक्षस ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसका अंत निश्चित है। मैं अब एक पत्नी ही नहीं, एक माँ भी। माता के हाथ में तिनका, साथ ही माता की ये दृढ़ हाव भाव, यदि मैंने पूर्ण रूप से अपना पत्नी धर्म निभाया है, यदि मेरे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की छवि कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं रही है, तो ये तिनका रामबाण बन जाए। प्रभु ने तो तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था, माता ने तिनके को प्रभु का नाम लेकर रामबाण बना दिया। मान मुझे यहाँ चतुराई से ले आया है। मूर्ख है ये स्त्री जो हम जैसे राक्षसों का सामना एक दिन कैसे करने चली है। तुम्हारा वध। राधा, सुर का वध हो गया। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा। ये माता के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तिनके से बना हुआ रामबाण अंत कर सकता है मुल्कासुर का, क्योंकि माता के ही हाथ से वार हुआ है इसका। ये मुल्कासुर कहां चला गया? अच्छा, तो अब इस रूप में भाग रहा है ये यहां से, किंतु मुझे इसे माता के इस अस्त्र के सामने लाना ही होगा, तभी इसकी मृत्यु संभव होगी। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है, इसे अभी नष्ट करता हूं। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो राक्षस? अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा मैं यहां से राक्षस। Oh!
मात्र एक ही दानव और बचा है। उसकी मृत्यु से पूर्व ही यदि मैं इस मूलकासुर को रामबाण के सम्मुख नहीं ले आया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी इसे नष्ट करता हूं। नहीं, मेरा अस्त्र से रोक नहीं पाया, मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। तुम्हें वापस माता के अस्त्र के समीप भेजूंगा मैं। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो वानर। एक बार पुनः प्रयास कर लो वानर। जय श्री राम। वानर, इस प्रकार नहीं होगी मेरी मृत्यु। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं, माता सीता के द्वारा ही होगी, और ये होनी आज होकर ही रहेगी। नहीं, नहीं। नकासुर की मृत्यु हो गई। ये अस्त्र अपना प्रभाव खोकर पुनः साधारण तिनके में परिवर्तित हो, उसके पूर्व ही मुझे इसका वार मूलकासुर पर कराना ही होगा। मूलकासुर, अब अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। छोड़ वानर, छोड़ मेरा हाथ। कहाँ जा रहे हो दुष्ट? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि माता सीता के पवित्र हाथों से चलाए हुए तिनके से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये क्या, मैं अपना आकार क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं शिला बन जाता हूं, ये मुझे भेद नहीं पाएगा। उचित है। अब शिला तो क्या, तुम वज्र के भी बन जाओ राक्षस, किंतु अपनी मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम।
माता, मैं तो पुत्र भाव में बहकर ये भुला ही बैठा था कि माता सीता तो त्रिदेवियों का स्वरूप है, उन्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहीं माता ने मुझे देख लिया तो मैं वचन भंग का दोषी हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस बार आप ही बचा लीजिए, मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। क्या हनुमान है वहां? किंतु यदि माता ने देख लिया मुझे तो माता क्या सोचेंगी मेरे बारे में? हे प्रभु, कुछ कीजिए। क्या बात है भूमिजा? क्या देख रही हो इसको? कदाचित ही मैंने कहीं हनुमान को देखा है, वो कहीं आसपास ही है। अब ना जाने क्या होगा। पुत्री, जिनसे हम स्नेह रखते हैं, जिनका स्मरण करते रहते हैं, कभी कभी तो वो स्वतः ही हमारे सामने आ जाते हैं, और कभी कभी वो दूर होते हुए भी आसपास दिखाई देते हैं। अच्छा, अब समझा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ। तुम्हें हनुमान के निकट होने का भ्रम हुआ और तुम उन्हें आसपास ढूंढती रही, है ना? नहीं पितृवर, वो तो मुझे मार्ग में कुछ राक्षस दिखाई दिए जो मेरी ओर बढ़ रहे थे, उनके कारण मुझे विलंब हो गया। राक्षस यहाँ आसपास? पितृवर, आप निश्चिंत रहिए, प्रभु की कृपा से मैंने तिनके में राम बाण का आह्वान करके उनका संहार कर दिया। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम देवी शक्ति का स्वरूप हो, शतानंद जैसे महाराक्षस का तुमने संहार किया है, किंतु इस आश्रम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अभी वेद मंत्रों से पूरे आश्रम क्षेत्र को रक्षित कर देता हूं। ये तो अच्छा हो गया, अब माता और शिशु सब रक्षित हो जाएंगे। शूले न पाहिनो देवी पाही खड्गे न चांबिके, घंटा स्वने न पाही चाप जानी ही स्वने न च, प्राच्याम रक्ष प्रत्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी, सौम्यानी यानी रूपाणी त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानी चात्यर्थ घोराणी ते रक्षास्मांस तथा भुवन। त्रिदेवी शक्तियों वाली माता सीता और महावेदज्ञ मंत्र शक्ति संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी के रहते हुए कोई भी संकट इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अब मैं पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे माता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु के पास लौट जाना चाहिए। हनुमत माता वियोग से खिन्ना, किंतु प्रभु संगत पे प्रसन्ना, अवध को लौट चले कपिराई, पाए कमल चरण रघुराई। काल नियम से चक्र घुमाए, लव कुश शनह शनह बढ़ी जाए, दो करे आश्रम मह क्रीड़ा, देखी देखी पुल कित ऋषि सीता। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान।
ऋषि लेखन व पठन सिखाई, धनुर्विद्या महदक्ष बनाई, उत हनुमत सेवत रघुराई, धोए चरण फल पुष्प चढ़ाई, राम प्रसन्न रखी हनुमाना, किंतु स्वयं एकांत विलापा, हनुमत भावना को दे दी लिपि, राम कथा प्रस्तर पर दी लिखी। प्रतिपल कपिलव कुश को विचारी, जो पूजत रही अवध बिहारी, जो जो बीते दिवस और रैना, वाल्मीकि रामायण पूर्णा। रघुकुल की मर्यादा एवं राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का परित्याग किए हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे पिताश्री, किंतु जब भी मैं आप पूर्वजों के इस कक्ष के पास से निकलता मुझे यही आभास होता है कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है या कुछ अपूर्ण रह गया है। प्रतीत होता है जैसे आप पूर्वजों में से कोई तो है जो मुझसे असंतुष्ट है। यदि मेरे कृत्य से किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे दंडित करें, मुझे सहर स्वीकार्य होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज दशरथ। पुत्र राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है, तुमसे कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। किंतु महाराज, यदि ऐसा है तो मेरे प्रभु को आप पूर्वजों के कक्ष के समीप से निकलते हुए सदैव घोर पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? हनुमान, यदि पूर्वजों में कोई पीड़ा में है तो उनके वंशजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ा होती ही है। अर्थात हमारे पूर्वजों में से कोई तो है जो कष्ट में है। हाराम, हमारे पूर्वज राजा मांधाता पीड़ा में है। स्वर्ग के अधिकारी होने के पश्चात भी वो स्वर्ग ना पहुंच सके, महाराज मांधाता। किंतु मैंने तो अपने सूर्यवंश के राजाओं की अनेकों शौर्य गाथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो फिर कैसे एक सूर्यवंशी राजा का शीश इस प्रकार झुका हुआ है? क्या कारण है इनकी पीड़ा का? इनकी पीड़ा का कारण है लवणासुर। राम, पूर्व काल में राजा मांधाता की शौर्य गाथाएं तीनों लोकों में प्रचलित थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उनका सामना करने से बचते थे, किंतु उस समय एक बार देवराज के किसी अपकृत्य से रुष्ट होकर राजा मांधाता ने देवराज इंद्र को चुनौती दी।
स्वर्ग का राज पाकर आपको बहुत अभिमान हो गया है देवराज इंद्र। एक पृथ्वीवासी क्षत्रिय आपको ललकारने आया है। साहस है तो आइए, युद्ध कीजिए मुझसे। किंतु देवताओं की चतुराई से वो चुनौती उलट दी गई। सूर्यवंशी महाराज, मानधाता को परास्त करना सहज नहीं होगा देवराज इंद्र। उन्होंने अनेक तपस्याओं एवं साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं, जो हम देवताओं की शक्तियों के समान ही हैं। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव, इनसे युद्ध का अर्थ है पराजय। हो सकता है हमें स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ना पड़े। किंतु आज ऐसा नहीं होगा देवराज इंद्र। जहां शक्ति से कार्य ना बने, वहां युक्ति से कार्य करना ही विवेक संगत होता है। पृथ्वीवासी राजा मानधाता, स्वर्ग विजय के लिए तो आप चले आए हैं, किंतु यहां आने से पूर्व क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है? यदि आप इतने ही शूरवीर हैं तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। तभी स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान होगा। स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान हम भली भांति करना जानते हैं अग्निदेव। मैं सूर्यवंशी राजा महानदता ये वचन देता हूँ कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मानधाता को करना पड़ा? है तो ये चक्रवर्ती राजा, किंतु इसे अधिक समय तक जीवित रखने से क्या लाभ, अभी समाप्त करता हूं इसे। लवणासुर, बहुत हो गई युद्ध क्रीड़ा, अब यह दिव्य अस्त्र अंत कर देगा तुम्हारा। मानधाता, दिव्य अस्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो, ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवनासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवनासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवनासुर के अधिपत्य में आ गया। राजा मानधाता की मृत्यु शिवास्त्र से हो गई और वो स्वर्ग लोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्ग लोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मानधाता ये वचन देता हूँ कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्ग लोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी वो सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। मैं हूं लवनासुर, होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु।
मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु 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 मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो, आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु। अब तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा, इतिहास राज करेगा केवल लवणासुर। राजा मानधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मानधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राज्यसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु, मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था, उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्णा करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला, राज्याभिषेक किए कृपाला। हर्षित जन सुमन बरसाए, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए। भोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ ना कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। अरे ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं, इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी, बालक भी बड़े हो गए होंगे, कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों। महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न माता सीता के लाडले, माता कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को। क्या कर दिया मैंने, पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसे खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? भ्रम है ये मेरा, मेरे आदेश थे विवश है हनुमान, यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लवकुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं, नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि
बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से? बाएं मार्ग से जाना उचित होगा, किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सेनापति जी, ये मार्ग उचित है और मुझे विश्वास है कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सेनापति जी, इस ओर से जाने पर हम शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए, किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, ये मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, और अब ये ढोल नगाड़े जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हो। ये सत्य है या कल्पना? ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया खुश, अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख ना ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है। क्या इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं, इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है, साहस है तो सामने आकर वार करो।
ये दो तेजस्वी बालक, इतनी कम आयु में ऐसा युद्ध कौशल, कौन है ये? प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्यवचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से, तीव्र ध्वनियों से वन की शांति ना भंग करें। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं, इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। ये लव कुछ ही हैं, ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता रघुवंशियों में ही हो सकती है। इनकी छवि प्रभु श्री राम एवं माता के सम्मिलित रूप की झलक, ये लव कुछ ही हैं। बालको, इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, शांति से निकल जाइए। बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो, मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं। सावधान, जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको, हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उदंडता है ये। हम उदंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। बहुत हठी हो तुम दोनों, तुम्हारे हट को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए, मुझे ज्ञात हो गया है ये बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं, हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित इनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं, कहीं ये दोनों बालक
लव कुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था, ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूँ कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24,000 श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान, जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहाँ उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते? कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहां माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा, मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव, गुरुदेव, देखिए हम किसके साथ आए हैं। भैया शत्रु, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांगिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वदेही, किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं, सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राता श्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाना
गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए। किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटि तब आए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। ये देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, लोखा। इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा। लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ। अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं मेरे स्वामी, उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी कहाँ रह गए। यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आपने यहां इतना समय किसमें लगा दिया। इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने ग्रहण। कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चलें। आप ही कह रहे थे ना कि राम काज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है। अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर।
विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है, मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना ना कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवणासुर बल। इसलिए कल प्रातः तिलोत विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुर वीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद मनाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे, आनंद आ गया, उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में। किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा। हनुमान जी, यदि कल प्रातः है उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा।
करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवनासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवनासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवनासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरा पान करेंगे, लवनासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवनासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद युद्ध के लिए। राक्षस लवनासुर, मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्य नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा। डरो, तनिक हमें देखने तो दो। कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी यह तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। किंतु वो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मदिरा के प्रभाव में मदमस्त होकर वो आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा। किंतु आप ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि युद्ध अस्त्र शस्त्र के बिना ही हो। किंतु राक्षस, अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, यदि साहस है और अपने बल पर विश्वास है तो उसके बिना युद्ध लड़ो मुझसे। उचित कहते हो तुम। योद्धा की परख मल्ल युद्ध से होती है और इसके लिए हम तैयार हैं। शत्रुघ्न भैया, जैसे ही वो चुनौती स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल्ल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया, इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति से अधिक युक्ति काम आती है, इसलिए व्यक्ति को भावुकता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए।